आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत रत्न अवॉर्डी और एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी, फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, भारत में जो औद्योगिक क्रांति आई है उसके जनक, उसके पिता JRD टाटा, जहांगीर रतन जी, दादा भाई टाटा। इन्होंने भारत के लिए इतना कुछ किया कि हम बयां ही नहीं कर सकते, एक लेक्चर में समेटना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। आज जो भारत आप देख रहे हैं ना, उसमें बहुत बड़ा योगदान JRD टाटा का है, और आज भी टाटा एंड सन्स ने अपने कंधे पे उठा रखा है भारत को। चाहे तो पूरी दुनिया के अमीर आदमी बन जाए ये, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधे से ज्यादा इनका रेवेन्यू जो है वो फिलैंथ्रोपिस्ट कामों में जाता है, सोशलिस्ट कामों में जाता है, और इसकी नींव किसने रखी? JRD टाटा। लगभग लगभग हर फील्ड में इनकी कंपनी है, साइंस में इनकी कंपनी है, रूरल डेवलपमेंट में इनकी कंपनी है, सोशलाइजेशन में ये बहुत ज्यादा काम करते हैं दोस्तों, और एम्प्लॉयमेंट तो इन्होंने हजारों को दिया है। सर्विस सेक्टर किसकी वजह से चल रहा है? टाटा सन्स की वजह से। TCS, IBPS के आप एग्जाम देते हैं ना, कभी देखा है पेपर लीक हो गया? आए दिन SSC में आप देखते हैं, रेलवे में प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कभी भी आपने जो IBPS के पैटर्न पे एग्जाम होते हैं कभी देखे हैं बैंकिंग या इंश्योरेंस के पेपर लीक हो गया? नहीं, क्योंकि उसका सर्वर, उसका मास्टर सर्वर किसके पास है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के पास। तो आप देख सकते हैं ना एफिशिएंसी क्वालिटी में कहां पहुंच गया आज टाटा सन, और इसका श्रेय किसको जाता है? JRD टाटा को। आपको बता दूं, एक ह्यूमैनिस्ट थे ये, लोगों के लिए सबसे ज्यादा सोचते थे, लोगों के लिए इतनी केयर करते थे कि कुछ पूछने को नहीं, एम्प्लॉयज की केयर करते थे। अगर ये ना होते तो आज भारत में एम्प्लॉय की जो स्थिति है ना, फिर भी बहुत अच्छी है ना, उनको सब कुछ मिलता है, पेंशन मिलता है, एक निश्चित मतलब टाइम दिया गया कि आप इतने बजे तक काम करेंगे, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयज की इतनी अच्छी आज कंडीशन है वो JRD टाटा की ही वजह से है, इन्हीं के ही कंसेप्ट को आगे बढ़ाया और भारत सरकार ने अडॉप्ट किया। तो JRD टाटा का योगदान बहुत बड़ा है, आज इनकी हम बायोग्राफी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। SID_eConnect मेरा फेसबुक पेज है, और सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, यही DP लगी हुई है, आप आसानी से वहां पे PDFs ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ StudyIQ के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, आपको बहुत फायदा होगा, हमने हर एग्जाम्स को कवर किया है। तो ये लिस्ट है दोस्तों, आप देख लीजिए, इन सबकी बायोग्राफी मैं कवर कर चुका हूँ। पंडित मदन मोहन मालवीय की बायोग्राफी बाकी है, और सचिन तेंदुलकर अगले होंगे जिनकी बायोग्राफी मैं कवर करने वाला हूँ। इन सबकी बायोग्राफी दोस्तों कवर हो चुकी है, इन सबकी बायोग्राफी कवर हो चुकी है मौलाना अबुल कलाम आजाद को छोड़ के, बहुत ही जल्द उनकी कवर कर दूंगा इन सबकी बायोग्राफी, इन सब इनकी और इन सबकी, तो सबकी बायोग्राफी कवर हो चुकी है, सिर्फ 3 पर्सनालिटीज बची हैं दोस्तों, तो भारत रत्न सीरीज कंप्लीट हो जाएगी 3 पर्सनालिटी के बाद। तो अगर हम JRD टाटा की बात करें तो 1904 में इनका जन्म हुआ था, और 1904 में ही जमशेद जी की डेथ हुई थी। तो यहां पे एक बहुत ही महान इंसान की डेथ हो रही है, यहां पे एक उस इंसान की डेथ हो रही है जिसने टाटा स्टील बनाया 1880 में, जो कि भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, ठीक है। स्टील इंडस्ट्री, स्टील की वजह से भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने वाला था, ठीक है। तो यहां पे इनके दादाजी की डेथ हुई, और यहीं पे ही JRD टाटा का जन्म होता है, ठीक है। एक एविएटर थे इनको, ये पहले थे जिनको लाइसेंस मिला था प्लेन उड़ाने का, इनको बहुत ज्यादा शौक था। एक एंटरप्रेन्योर और चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, लेकिन ये कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, आपको पता है, बहुत ही कम उम्र में इनको टाटा का चेयरमैन बना दिया गया था, और इनको बहुत ये बात खली कि बहुत रिग्रेट हुआ कि मैं कभी यूनिवर्सिटी नहीं जा पाया, तो ये चीज थी। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन, देखिए दोस्तों ये लेगेसी है, ठीक है। टाटा ग्रुप आपको पता ही है, जमशेद जी टाटा ने ही स्टील प्लांट जब स्टैब्लिश किया था, एक विजनरी थे ये, ठीक है। जमशेद जी टाटा, उनकी भी बायोग्राफी मैं रिव्यू करूंगा। अच्छा एक चीज और, मैंने रतन टाटा की भी बायोग्राफी रिव्यू की है दोस्तों, लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं, आप भी देखिएगा। तो यहां पे दोस्तों मैं उल्टा चल रहा हूं, पहले रतन टाटा की, फिर JRD टाटा, और फिर जमशेद जी टाटा। एक्चुअली मैं पहले जमशेद जी टाटा होने चाहिए थे, फिर JRD और फिर रतन टाटा, लेकिन उल्टा चल रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, नॉलेज नॉलेज होती है। तो यहां पे दोस्तों अगर हम बात करें तो वो तो एक विजनरी थे जमशेद जी टाटा ने, उन्होंने तो एक इंडस्ट्री लगा के, एक स्टील प्लांट लगा के भारत का भविष्य तय कर दिया था, लेकिन उसको आगे ले जाना ये बहुत बड़ा काम था। जब JRD टाटा से पूछा गया कि आपने इतना कुछ किया है, कुछ अपने बारे में बताइए भैया, क्या मतलब आपने, तो यहाँ पे JRD टाटा का बड़प्पन देखिए, उन्होंने बोला कि जो भी मैंने किया मैं इसको डिजर्व ही नहीं करता हूं, मैंने सब कुछ इनहेरिट किया है,
मैंने सब कुछ लिया है, ये सब ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड था, एयर इंडिया को छोड़ के मैंने कुछ भी नहीं किया, ये इनका बड़प्पन है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, टाटा टाटा इसी वजह से है क्योंकि जेआरडी थे, उन्होंने इस कंपनी को बढ़ाया, इस कंपनी का रेवेन्यू आसमान पे पहुंचा दिया, हर फील्ड में उन्होंने कंपनी खोल ली। तो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है ये है, वो इनका बड़प्पन है कि उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया है। कोई भी महान इंसान कभी भी क्रेडिट नहीं लेता, बड़ा डाउन टू अर्थ होता है। अब आप देख सकते हैं भैया, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस, जो कि बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। टाटा मोटर्स, टाइटन इंडस्ट्रीज, टाटा सॉल्ट, वोल्टास, एयर इंडिया, ये सब इनके दिमाग से निकला। रतन टाटा की जब मैंने बायोग्राफी कवर की थी तो मैंने आपको बताया था ना कि वो सबका श्रेय जेआरडी टाटा को देते हैं कि उनका ही विजन था, विजनरी थे दोस्तों, द मैन हु सॉ फ्यूचर। इन्होंने फ्यूचर देख लिया था कि भारत कैसा होने वाला है। ठीक है, आपको बता दूं कि इनका एक स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। ज्यादातर कैपिटलिस्ट की आप बात करें, इंडस्ट्रियलिस्ट की आप बात करें, तो वो बोलेंगे कि भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर होना चाहिए। आप जरा आइडियोलॉजी का डिफरेंस देखिए, मैं कंपेयर करना चाह रहा हूं, और पूरी दुनिया की बात है, सिर्फ भारत में ही नाम नहीं लेना चाहूंगा, सिर्फ भारत में ही बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं कहते, ये पूरी दुनिया में ही कहते हैं कि हमारे देश को एक इकोनॉमिक सुपर पावर होना चाहिए, हमारी इकोनॉमी बढ़नी चाहिए। लेकिन जेआरडी टाटा का बोलना था भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं होना चाहिए। ही डिड नॉट वॉन्ट दैट इंडिया शुड बी ए इकोनॉमिक सुपर पावर, नहीं, वो चाहते थे कि भारत शुड बी अ प्रॉस्परस एंड हैप्पी कंट्री, भारत एक खुशहाल देश हो, एक ऐसा देश हो जहां पे सबके पास एम्प्लॉयमेंट हो, हर कोई खुश रहे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। यहां से इंसान की आइडियोलॉजी पता चल जाती है कि वो सोसाइटी के लिए कितना कुछ करेगा। और जवाहरलाल नेहरू से कई बार ये असहमत हुए उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी से। जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये बोलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के अक्सर मतलब काफी एडमायर थे, देखिए जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू के ये बहुत अच्छे दोस्त, दोनों के ही, और बहुत बड़े एडमायर थे। दोनों की आइडियोलॉजी अलग, दोनों की बायोग्राफी मैंने कवर की है, दोनों की आइडियोलॉजी अलग, और दोनों से ही बड़े अच्छे रिश्ते थे जेआरडी टाटा। तो नेहरू जी के बारे में वो बोलते हैं कि अक्सर नेहरू जी के साथ मैं डिनर करने जाया करता था, खाने पे जाया करता था। जब भी मैं इंडस्ट्रीज या इकोनॉमिक पॉलिसी या नेशनलाइजेशन पे टॉपिक छेड़ता था या बात करने की कोशिश करता था, नेहरू हमेशा टाल देते थे, वो कभी भी इस पे बात करना ही नहीं चाहते थे। तो उन्होंने एक ट्रिक निकाल ली थी कि इसको टालना कैसे है। सामने एक बहुत बड़ी विंडो थी, ठीक है, जब भी ये बात आती थी तो नेहरू जी हमेशा बोलते थे, वो देखो उस विंडो में देखो कितना सुंदर नजारा है, विंडो से बाहर देखो। तो यहां पे मुझे पता लग जाता था कि ये इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे ही इंदिरा गांधी के साथ हुआ, हालांकि इंदिरा गांधी ने पर्सनली लेटर लिखा था यहाँ पे जेआरडी टाटा को कि आप भारत का गर्व है, भारत का गौरव है, लेकिन कभी भी अगर इस मुद्दे पे बात होती थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज पे बात होती थी, और अगर इंदिरा गांधी को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था तो वो इनवेलप से लेटर्स निकालने लगती थी। तो ये संकेत होता था जेआरडी टाटा के लिए कि वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि बहुत अच्छे दोस्त थे महात्मा गांधी से भी, ये महात्मा गांधी के भी बहुत बड़े एडमायरर थे, लेकिन मिले नहीं कभी महात्मा गांधी से। जेआरडी टाटा बोलते हैं कि महात्मा गांधी को उन्होंने 3 बार इन्वाइट किया था लेकिन वो आ नहीं पाए किसी चक्कर की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, लेकिन एडमायरर थे ये। तो ये जेआरडी टाटा का मतलब एक तरीके से व्यक्तित्व है कि वो चाहते थे कि भारत एक प्रॉस्परस एंड हैप्पी कंट्री बने, इकोनॉमिक सुपर पावर बने ना बने कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिंपल सी बात, अगर भारत खुशहाल देश होगा तो अपने आप है वो एक सुपर पावर हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप आज का जरा सिनारियो देख लीजिए, आपको हर इंसान परेशान दिखेगा, क्या भारत एक हैप्पी कंट्री है? नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? शायद बहुत पीछे है, बिल्कुल एकदम लास्ट में है, मैं भूल रहा हूं, बिल्कुल लास्ट में है। तो आप खुद ही देख लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं, हमको देखना पड़ेगा हमको करना क्या है। तो जेआरडी टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 में हुआ था, पारसी है जेआरडी टाटा, ये आपको पता ही है। सेकेंड चाइल्ड ऑफ बिजनेसमैन रतन जी दादा भाई टाटा, और इनकी माता जी का नाम था सुजैन ब्रियरे, ठीक है ना। आपको बता दो कि फ्रेंच है, ठीक है, इनका जन्म जो है फ्रांस में हुआ था, ठीक, तो वहीं पे ही इनकी परवरिश हुई थी। अब उसके बाद इनके जो पिताजी हैं वो फर्स्ट कजन है, जमशेद जी टाटा के वो फर्स्ट कजन है, तो भाई हैं जो इनके पिताजी हैं, ठीक। इनका इनकी एक बहन भी है, सिस्टर सिला, ठीक है, और एक मतलब दो इनकी बहनें और एक छोटा भाई है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि इनकी जो शुरुआती पढ़ाई है वो फ्रांस, जापान, इंग्लैंड, इन सब जगह हुई, ठीक है। शुरू में इन्होंने जैनसन डी सैली स्कूल पेरिस में इसको अटेंड किया, मैंने बताया ना कि शुरुआती पढ़ाई इनकी फ्रांस में ही हुई।
उसके बाद लंदन गए, जापान गए, फ्रांस गए और फिर भारत आए, ठीक है ना। भारत में भी इन्होंने और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने टाटा सर्विसेज को ज्वाइन कर लिया, टाटा सन्स के बहुत ही कम उम्र में ये चेयरमैन हो गए। तब जब इनको चेयरमैन बनाया गया था तो बहुत ऐसे लोग थे जो इनसे ज्यादा डिजर्विंग थे और इनसे ज्यादा सीनियर थे, लेकिन जेआरडी टाटा बड़े यंग थे और इनको बहुत ही जल्द चेयरमैन बना दिया गया था, तो लोगों की आंखों के नासूर बन गए थे ये। इनको प्रूव करना था, अगर ये प्रूव नहीं करते तो सारे कंपनी के लोग इनके इन पे चढ़ बैठते। तो ये भी चीज है, जेआरडी की मदर, इनकी माता जी का देहांत तो बहुत ही कम उम्र में हो गया था, वो सिर्फ और सिर्फ 43 साल की थी, ठीक है। उसके बाद इनके पिताजी ने अपनी सारी फैमिली को भारत भेज दिया था, ठीक है, मतलब फैमिली को भारत नहीं भेजा था, पिताजी भारत आ गए थे और फैमिली जो थी वो फ्रांस में थी। अब यहां पे दोस्तों आपको बता दूं कि जेआरडी टाटा इंग्लैंड भी गए हायर स्टडीज के लिए, लेकिन उसके बाद इसी दौरान ये फ्रांस में भी गए। फ्रांस में दोस्तों एक कॉन्स्क्रिप्शन लॉ होता है, ठीक है, जब ये 18 साल के थे, 19 साल के थे, तो ये फ्रांस इनको एक साल सर्विस, वैसे तो उस समय हर देश में कॉन्स्क्रिप्शन लॉ होता है। कॉन्स्क्रिप्शन मतलब क्या होता है कि जब आप 18 साल से ऊपर होंगे तो आपको एक साल दो साल आपको आर्मी में देने ही देने हैं। तो इन्होंने फ्रेंच आर्मी में काम किया, योगदान दिया और एक साल के लिए ये आर्मी में, फ्रांस की आर्मी में ये यहां पे मतलब कहते हैं कि इंटर मतलब इनलिस्ट हुए, ठीक है। तो इन्होंने ये काम पूरा किया। उसके बाद दोस्तों जब ये पूरा काम हुआ, फिर इनके पिताजी चाहते थे कि इनको टाटा कंपनी में बुला लिया जाए और उसके बाद ये भारत आए और भारत आके इन्होंने टाटा कंपनी को ज्वाइन किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी 1930 में दोस्तों। जेआरडी ने शादी की थेल्मा विकाजी। थेल्मा विकाजी की दोस्तों बात ऐसी है कि जेआरडी टाटा को कारों का बड़ा शौक था, डुकाटी इनको मिली थी तो बहुत मुंबई की सड़कों पर चलाते रहते थे, बहुत ज्यादा कारों का शौक था। तो यहाँ पे पुलिस इनका बैठ के चालान काटती रहती थी, कई बार ऐसा हुआ था कि पुलिस से इनकी काफी गर्मा गर्मी हो गई थी। हालांकि जेआरडी टाटा बड़े शांत इंसान थे, वो बिल्कुल झगड़ते नहीं थे। तो एक लॉयर थे, ठीक है, विकाजी करके, तो उनके यहाँ जाते रहते थे इन्हीं इश्यूज पे डिस्कस करने। तो उन्हीं की ही बहन थी थेल्मा, ठीक है, तो उनसे शादी हुई थी जेआरडी की, ठीक है। प्यार हो गया, आंखें मिली, प्यार हो गया, शादी हो गई, ठीक, बड़ा ही खुशहाल जीवन। उसके बाद दोस्तों 10 फरवरी 1929 में टाटा को पायलट लाइसेंस मिला दोस्तों भारत की तरफ से। तो यहां पे दोस्तों आपको बता दूं कि इनको फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन भी बोला जाता है और ही वाज द फर्स्ट टू रिसीव द कमर्शियल पायलट, मतलब अगर हम यहाँ पे एविएशन की बात करें भारत की तरफ से इनको मतलब ये एक तरीके से पहले पायलट थे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कमर्शियल एयरलाइन भी इन्होंने स्टार्ट की टाटा एयरलाइंस 1932 में, 1932 में, एक बहुत बड़ा कदम था। इससे पहले भारत जमीन पे ही था, ट्रेन चलती थी, बसेस चलती थी, आसमान नहीं छू पा रहा था। तो जेआरडी टाटा ने चलो हम आसमान छुआ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाटा एयरलाइंस 1932 में बना दी और यही टाटा एयरलाइंस एयर इंडिया हो गई। एयर इंडिया जिसकी अभी हालत बहुत खराब है, 1946 में एयर इंडिया इसको बना दिया गया और 1953 में एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया। तो टाटा फिर जमशेदजी टाटा को हटा दिया। बहुत ज्यादा दुख हुआ था दोस्तों जब ये डिसीजन हुआ था, बहुत ज्यादा। हालांकि जेआरडी टाटा ने इसको पब्लिकली नहीं एक्सप्रेस किया था, लेकिन एयर इंडिया का जब नेशनलाइजेशन हुआ था, क्योंकि नेशनलाइज वो तो फिर सरकार के कंट्रोल में आ गई ना, प्राइवेट कंट्रोल में कहां रही, ठीक है। तो जिस एयरलाइन को उन्होंने बनाया था और ये बहुत करीब थी, टाटा एयरलाइंस जेआरडी टाटा के दिल के बहुत करीब थी। ये जेआरडी टाटा खुद बोलते हैं कि मैंने सब कुछ इनहेरिट किया, मुझे सब कुछ मिल गया था बना बनाया, सिर्फ एक ऐसी चीज थी जो मैंने खुद बनाई, वो थी टाटा एयरलाइंस। और ये जब इंसान एक ऐसी चीज को जन्म देता है वो उसके दिल के बहुत करीब होती है, ठीक है, और वही नेशनलाइज हो गई, ठीक है, 1953 में। तो काफी ज्यादा दुख हुआ, लेकिन देश के लिए सब कुर्बान, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों 1938 में जेआरडी टाटा को फाइनली टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया, ठीक है। 34 साल के थे, सिर्फ और सिर्फ उस समय ये 34 साल के थे। तो दोस्तों जब टाटा सन्स का इनको चेयरमैन बनाया गया, ये 34 साल के थे, उसके बाद इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप को ज्वाइन किया। तो उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इनके जूनियर थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ज्यादा डिजर्विंग थे, लेकिन कोई बात नहीं, इनको फायदा मिला, टाटा सरनेम का इनको फायदा मिला और इनको चेयरमैन बनाया गया। लेकिन इन्होंने गजब का काम किया दोस्तों, सब हर फील्ड में। मैंने बताया ना उस समय दोस्तों भारत को साइंस में फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी और जेआरडी टाटा को पता चल गया था कि न्यूक्लियर पावर भारत में होनी ही चाहिए। तो अगर न्यूक्लियर पावर भारत में होनी चाहिए, होमी भाभा उस पर काम कर रहे थे, तो होमी भाभा के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो टाटा ने फंड किए, जेआरडी टाटा ने फंड किए, ठीक है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू से बात की,
बहुत सारी नौकरियां दी, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि उन्होंने बोला था कि ये भारत का ऐसा इंस्टीट्यूशन साबित होगा जो साइंस में कमाल की चीजें करेगा, यही हुआ। आज TIFR की बात करें तो भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक TIFR है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। यहाँ पे एडमिशन ही बहुत ही मुश्किल से होता है TIFR, जो साइंस में भैया झंडे गाड़ रहा है साइंस की फील्ड में। उसके बाद दोस्तों भारत में यहाँ पे हेल्थ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो टाटा यहाँ पे JRD टाटा ने बोला कि कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा हमको ताकि ये हेल्थ, ये जो इशू है ये खत्म हो। तो इन्होंने टाटा मेमोरियल रिसर्च, आई मीन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, ठीक है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल नाम क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने, तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ही शायद, ठीक है, तो ये इन्होंने स्टैब्लिश किया और ये कैंसर को ट्रीट करता था। तो पहला ऐसा हॉस्पिटल जो कैंसर को ट्रीट करता था वो JRD टाटा ने बनाया। तो आप समझ सकते हैं ना, 10 करोड़ से बढ़ के $500 करोड़ हो गया था इनका बिजनेस, आप देख रहे हैं ना। तो जब इन्होंने टेक ओवर किया था, और उसके बाद बहुत लोग सोच ही रहे थे कि ये फेल हो और उसके बाद हम भर के इनको क्रिटिसाइज करें, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं आया। JRD टाटा ने टाटा सन्स को एक्सपैंड कर दिया, हर फील्ड में एक्सपैंड कर दिया। और आपको बता दूं कि सबसे बड़ी चीज ये है, इन्होंने अपने एम्प्लॉयज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा दोस्तों, बहुत ज्यादा ध्यान रखा। ये अपने वर्कर्स के लिए जाने जाते थे, और यही काम बाद में रतन टाटा ने किया। वर्कर सही रहे, फिक्स्ड आवर्स, 8 घंटे काम करना है, सैलरी अच्छी दी जाएगी, मकान मिलेगा टाटा को, आपको मेडिकल, फ्री मेडिकल एड दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दूं कि इन्होंने एक 1975 में इन्होंने 50 साल जो ट्रेड यूनियंस के हुए थे पीसफुल, ये जो इयर्स थे इसको भी सेलिब्रेट किया था। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, 50 सालों तक कोई भी स्ट्राइक नहीं हुई दोस्तों ट्रेड यूनियंस की, वर्कर्स ने स्ट्राइक नहीं की, इतना ख्याल रखा था JRD टाटा ने। तो ये जादू है JRD टाटा का, ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद दोस्तों 1988 तक आते आते 95 इंटरप्राइजेस बढ़ चुकी थी, आप समझ सकते हैं ना। तो बहुत ज्यादा, जब इन्होंने छोड़ा था, ठीक है, जब 1988 में ये रिटायर हुए थे टाटा से, और उसके बाद फिर रतन टाटा को कमान सौंपी थी, तो उसके बाद ये 95 इंटरप्राइजेस, कहां 2 से 95, आप देख सकते हैं ना कि कितना बड़ा ये जंप है, ठीक है, ये चीज है। अब इन्होंने, अच्छा ठीक है, ये लिखा हुआ है टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर, ये इन्होंने 1941 में, ठीक है, और जो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो रिसर्च हो रहे थे साइंस में वो भी ये फंड कर रहे थे। TIFR को इन्होंने 1945 में फाउंड किए, TISS, TIFR तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था ना, ठीक है। उसके बाद नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, भाभा थिएटर इन्होंने, और आपको बता दूं कि इन्होंने झारखंड के लोगों के लिए बहुत ज्यादा कुछ किया है। जमशेदपुर में पूरा टाटा स्टील प्लांट है, जमशेदपुर को तो स्टील सिटी बोला जाता है ना, उसको टाटा नगरी बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो वो टाटा नहीं बसाई जमशेद जी टाटा ने, तो वहां झारखंड में जो ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, जो गांव के लोग हैं, जो रूरल लोग हैं, उनके लिए भी एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया हुआ है, अलग से उनके लिए संस्थाएं काम करती हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ढेर सारे उन्होंने डॉक्टर्स तैनात कर रखे हैं। तो इसीलिए तो रतन, अगर हम आज भी टाटा की बात करें तो आसानी से टाटा ग्रुप पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन सकता है, लेकिन उनका मेजोरिटी पोर्शन इन सब कामों में जाता है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपने सुना होगा, अगर कोई कंपनी है जो सच में ये करती है तो वो टाटा है, ठीक है, आप खुद देख लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद दोस्तों ये सारी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं, एक मैंने गलती कर दी, मैं आपको उसको रेक्टिफाई करना चाहूंगा। बता दूं कि जब 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइज किया था एयर इंडिया को, तो यहां पे रतन टाटा, JRD टाटा को ही चेयरमैन बनाया था, ठीक है, JRD टाटा रहे थे। लेकिन मैं भूल गया, मैं कंफ्यूज हो गया, 1978 में मोरारजी देसाई ने इनको हटाया था, जी हाँ, मोरारजी देसाई। और ये बहुत ज्यादा दुखी हुए थे, तो इनसे ये सवाल भी पूछा गया था कि आपको फायर होना कैसा लगा पहली बार, तो उन्होंने ज्यादा इसका कुछ जवाब नहीं दिया। डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा दुखी थे, और रतन टाटा उस समय इनके साथ थे, तो रतन टाटा देख रहे थे कि कितना ज्यादा इनको दुख हुआ है, मोरारजी देसाई ने इनको फायर किया था। तो ठीक है, तो एयर इंडिया की पोस्ट से चेयरमैन रहे ये 1953 में, आप समझ रहे हैं ना कि 1932 में जब टाटा एयरलाइंस बनी, तो 1953 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को नेशनलाइज किया, तब इनको नहीं हटाया गया था, मैंने बोल दिया था तब इनको हटाया गया, तो आई एम रियली सॉरी,
तब इनको नहीं हटाया गया था, इनको हटाया गया था 1978 में, 25 साल तक ये चेयरमैन रहे थे और मोरारजी देसाई ने इनको फायर किया था, ठीक है। तो यहां पे इनको बहुत ज्यादा दुख हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, तब तक और बहुत सारी चीजें थी इनके पास करने के लिए, ठीक। तो ये सारी है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, माफ कर दीजिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, एक्चुअली मैं इतना ज्यादा पढ़ता रहता हूं कि कभी कभी चीजें भी भूल जाता हूं। तो ये अब उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं, इनके ढेर सारे अवार्ड मिले हैं, इतनी सारी अगर यहाँ पे काम किया है तो इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। और एक और चीज बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंप्लॉयज के लिए ये बहुत ज्यादा करते थे, जब इनसे पूछा जाता है कि एक लीडरशिप में क्या, एक लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो इनका सबसे पहला जवाब आता है कि एक लीडर को हमेशा, पहली बात तो यह है कि एम्प्लॉयज के इर्द गिर्द एक अच्छी पोजीशन बनानी है। दूसरी चीज यह है कि जब एम्प्लॉयज रिस्पेक्ट करें, जब वो इज्जत दे, तब वो एक अच्छा लीडर होता है। तो अ लीडर मस्ट बी रिस्पेक्टेड अमंगस्ट हिज एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तब वो एक अच्छा लीडर, ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कोई भी डिसीजन ले तो ये पूरा एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। देयर मस्ट बी अ कंसेंसस अमंगस्ट द एम्प्लॉयज, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जेआरडी टाटा ने बोला। उसके बाद दोस्तों इन्होंने इतना कुछ किया, हर फील्ड में इन्होंने काम किया, इंडस्ट्रीज लगाई, ठीक है, कॉलेजेस बनाए, इंस्टीट्यूशंस बनाए, नेशन बिल्डर थे ये, तभी इनको भारत रत्न दिया गया और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीगन ऑफ ऑनर भी इनको दिया गया। तो जेआरडी टाटा की जो, वैसे बहुत सारे अवार्ड मिले थे इनके, जो इनका जो देहांत है वो 1993 में हुआ और उस समय ये 89 साल के थे, 89 ईयर्स के थे, काफी लंबा जिए, जीना भी चाहिए। इनके इंटरव्यूज अवेलेबल है दोस्तों, इनकी बायोग्राफीज अवेलेबल है, जरूर पढ़िए इनके बारे में, आपको बहुत कुछ फायदा, बहुत कुछ पता लगेगा। एक ट्रू लीडर है जिन्होंने भारत को बनाया, ठीक है। तो ये चीज है, जब इनका देहांत हुआ तो यहाँ पे मॉर्निंग हुई, इंडियन पार्लियामेंट एडजर्न हो गया तुरंत ही, और यहाँ पे इनको पेरिस में ही दफनाया गया, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये लेक्चर था दोस्तों जेआरडी टाटा पे, आई होप आपको पसंद आया होगा, इसको जरूर शेयर करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।